आयुक्त के साथ जिलाधिकारी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। लोक आस्था छठ पूजा में छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार तैयारी में अभी से जुड़ गया है। इस कड़ी में आज पटना आयुक्त के साथ जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं पटना नगर निगम के अधिकारियों छठ पाठों का निरीक्षण किया। पटना के दीघा घाट से पटना सिटी के कंगन घाटों तक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त कुमार रवि ने कहा, इस बार गंगा नदी के जल स्तर पहले की अपेक्षा 2 सेंटीमीटर कम है। घाटों की संख्या इस बार अधिक होगी, इसलिए घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है कि कौन सा घाट खतरनाक है, कौन सा घाट सम्मान है, उसे चिन्हित किया जा रहा है ताकि घाटों को सही तरीके से बनाया जाए जिससे व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। छठ को लेकर के पटना में सभी तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए आज गंगा घाट का निरीक्षण भी किया जा रहा है और इसमें खास करके गंगा नदी के किनारे छठ में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए सभी तरह के कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर गंगा नदी का जल स्तर भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। चूँकि इस वर्ष विगत वर्षों के मुकाबले थोड़ा आगे की तिथि में छठ हो रहा है, इसलिए गंगा का जल स्तर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2 मीटर नीचे है, तो इससे कई सारे घाटों में ज़्यादा सुविधा होगी और उसी के अनुसार तैयारी की जाएगी।